हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू द चैनल। हम आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सिंह एजुकेशन अप पर। तो आइए गाइस, आप सबका स्वागत है। तो आप लोगों को हम बता दें, जो DL-ED फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं वो बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। ऐसे कह सकते हैं अगस्त के लास्ट वीक में या फिर सितम्बर के फर्स्ट वीक में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप लोग पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए और पढ़ते रहिए मन लगा के। हमारी पढ़ाई से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमारी पढ़ाई एक साइड है, बाकी सब कुछ एक साइड है। तो आप लोग सभी भाई बहन को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाक्य। क्या डिस्कस करने वाले हैं? वाक्य। वाक्य क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, वाक्य कैसे बना है, ठीक है, इस बारे में समझेंगे हम। तो ये हमारा जो पेपर फर्स्ट है उसी का अगला टॉपिक है, चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, ठीक है, उसी से है। तो वाक्य का अर्थ, वाक्य का क्या अर्थ है, मीनिंग ऑफ सेंटेंस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, वाक्य का क्या अर्थ है। तो हम समझेंगे भाषा की प्रथम इकाई वाक्य है। भाषा की जो सबसे पहले इकाई है वो क्या है, वाक्य है, ठीक है। भाषा का प्रारंभ शब्दों से, कि भाषा का जो प्रारंभ यानी कि शुरुआत शब्दों से ना होकर, शब्दों से ना होकर वाक्यों से होता है, किससे, वाक्यों से होता है। जैसे यदि बालक कहता है पानी, तो उसका मतलब क्या हुआ, पानी दो, मुझे पानी दो। यदि बालक कहता है कि भूख, तो इसका भी मतलब हुआ कि मुझे भूख लगी है, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए कि अधिक शब्दों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया, कितने, दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि उससे भावों, जो भाव होते हैं और जो विचार होते हैं उनको स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया जा सकता है, अभिव्यक्त यानी कि सही ढंग से समझा जा सकता है, ऐसे कह सकते हैं कि अभिव्यक्त किया जा सकता है, तो उसे वाक्य कहते हैं। आगे सार्थक शब्दों का मतलब है जिनका कोई अर्थ निकलता हो, ठीक है। ऐसे हम मतलब शब्द इसमें नहीं रख सकते हैं जिनका कोई अर्थ ना हो, जो निरर्थक हो, ठीक है। तो इसमें कहा गया सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित मतलब सही ढंग से, ठीक है, व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, जैसा अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में वाक्य ऐसे ध्वन समूह को कहते हैं, वाक्य ऐसे ध्वन समूह को कहते हैं जिससे भाव एवं विचार की पूर्णता स्पष्ट होती है। क्या पूर्णता स्पष्ट होती है? वाक्य एक शब्द से लेकर 10 से 20 शब्दों का एक समूह हो सकता है, यानी कि इसमें जो है 1 से लेकर 20 तक के शब्द एक वाक्य में लिखे जा सकते हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि जो वर्ड होती है, दो या दो से अधिक वर्डों को जोड़कर शब्द बनाया जाता है और शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाया जाता है, ठीक है। तो आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है वो है हमारा वाक्य की गुण या तत्व, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आया हुआ भी है, आप लोग देख सकते हो। वाक्य के गुण क्या हैं या तत्व क्या हैं? सबसे पहले सार्थकता, क्या है सार्थकता, इसमें इंग्लिश में दिया गया है इम्पोर्टेंट मैटर्स एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के आवश्यक गुण या तत्व। तो सबसे पहले जो पॉइंट फर्स्ट दिया गया वो है सार्थकता। सार्थकता मतलब इसका जो अर्थ कुछ निकलता हो, कुछ ना कुछ इसका अर्थ सही निकलता हो, वही सार्थकता होता है, ठीक है। वाक्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है, किसका होता है, सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। निरर्थक शब्द सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं, जो निरर्थक शब्द सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं जिससे वे कुछ अर्थपूर्ण हो जाते हैं, जैसे बक बक निरर्थक शब्द है लेकिन अर्थपूर्ण करने के लिए इसका प्रयोग वाक्य में किया जा सकता है,
जैसे बक बक है तो ये निरर्थक शब्द है, लेकिन इसका जब प्रयोग हम वाक्य में करेंगे तो इसका क्या अर्थ निकलेगा? कुछ ज़्यादा बकवास, ज़्यादा बोलने वाला, ठीक है, तो ये क्या है, अर्थपूर्ण हो जाएगा। वाक्य में किया जा सकता है, जैसे बक बक क्यों कर रहे हो, अब बक बक अपने आप में सार्थक शब्द है, ठीक है, तो आप लोग समझ सकती हो। कुछ निरर्थक शब्द भी वाक्य में जुड़कर सार्थक शब्द या अर्थपूर्ण शब्द बन जाते हैं। आगे समझेंगे, अगला पॉइंट है वो है योग्यता। क्या है योग्यता? योग्यता का अर्थ है शब्दों का उचित गुण। क्या है? शब्दों का उचित गुण। वाक्य के शब्दों में अपने प्रकरण के अनुसार अर्थ देने की क्षमता या योग्यता होनी चाहिए। क्या उसकी मतलब जो वाक्य है अपने शब्दों में अर्थ देने की क्षमता या फिर योग्यता होनी चाहिए। जैसे घोड़ा पानी खाता है, यह शब्द समूह वाक्य नहीं है। यह क्या है? वाक्य मतलब सही नहीं है, क्योंकि पानी खाने की चीज़ नहीं है। इसमें लिखे तो सभी सही वर्ण हैं, लेकिन जो वाक्य वो नहीं सही ढंग से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो पानी है वो खाने की चीज़ नहीं है। इस वाक्य में पानी और खाता दोनों एक साथ प्रयुक्त होने के योग्य नहीं है। दोनों शब्द एक साथ नहीं रखे जा सकते हैं, आप प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। इस वाक्य को हम इस प्रकार कह सकते हैं, घोड़ा पानी पीता है। तो ये जो है सार्थक, इनका मेल हो गया है, तो इसका कोई अर्थ निकलता है, ठीक है। उसके बाद है अगला है आकांक्षा। क्या है? आकांक्षा। आकांक्षा का आशय है कि श्रोता अथवा पाठक की जिज्ञासा की पूर्ति करने वाला। उदाहरण इसका है कृष्ण मथुरा जाते हैं नामक वाक्य में कृष्ण सुनकर एक स्वाभाविक उत्कंठा उत्पन्न होती है, अंदर जानने की इच्छा होती है। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, ठीक है, और वह तभी शांत होती है जब श्रोता पूरा वाक्य सुन लेता है। जब श्रोता क्या पूरा वाक्य सुन लेता है तो मन की इच्छा जो होती है, जो जानने की इच्छा होती है, वो तभी शांत होती है जब तक पूरा वाक्य समझ में ना जाए, ठीक है। उसके बाद है अगला पॉइंट है वो है समीपता। समीपता से तात्पर्य है कि वाक्य के शब्द समीप होने चाहिए। समीप मतलब पास होने चाहिए। यदि एक शब्द प्रारंभ में कहा जाए कि एक शब्द जो है वो क्या शुरुआत में कहा जाए और उसका संबंध पर्याप्त शब्दों का प्रयोग करने के बाद किया जाए, तो भाषा में स्पष्टता नहीं आ पाती है, तथा यह समस्या मुख्य रूप से लंबे लंबे वाक्यों में बहुत होती है। अगर बड़े बड़े वाक्य जो होते हैं तो उसमें काफ़ी ये समस्या होती है, ठीक है। उसके बाद है अगला पॉइंट है अनिवत का अर्थ है व्याकरणिक दृष्टि से एक रूपता। क्या है? एक रूपता। हिंदी में क्रियाप्राय लिंग वचन पुरुष में कर्ता की अनुकूल होती है। कैसी होती है? कर्ता की अनुकूल होती है। कमला गए और नरेंद्र जा रही है, दोनों वाक्य अशुद्ध हैं। कैसे हैं? गलत हैं, क्योंकि यहाँ ना तो कमला गए और गए में व्याकरणिक दृष्टि से एक रूपता है और ना नरेंद्र जा रही है, यानी कि जो ये जो है व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है, तो इसलिए ये गलत हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वो है वाक्य के अंग कौन कौन से हैं। आप लोग समझ सकते हो पार्ट ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले है वाक्य के अंग जो होते हैं वो दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले है उद्देश्य। उद्देश्य से तात्पर्य वाक्य के कर्ता से होता है। किससे होता है? कर्ता। कर्ता होता है मतलब काम करने वाला। किसी भी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे वाक्य का उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। जैसे उदाहरण समझेंगे हम,
गीता गाना गा रही है, गीता गाना गा रही है, हरी गेंद खेलता है। इन वाक्यों में गीता व हरी दोनों ही उद्देश्य हैं, दोनों ही क्या हैं, उद्देश्य हैं, यानी कि इनके बारे में कुछ कहा गया। क्या गाना कौन गा रहा है? गीता गा रही है, तो गीता के बारे में कुछ कहा गया, गीता गाना गा रही है, ठीक है। तो गीता क्या, ये उद्देश्य है। अगला पॉइंट समझेंगे, वो है विधेय। विधेय क्या है? विधेय उद्देश्य, कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए, यानी कि कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। क्या कहलाता है? विधेय, यानी कर्ता के बारे में जो कहा जाए। जैसे आगे एग्जाम्पल में कहा गया था, गीता गाना गाती है, ठीक है। तो गीता व हरि के बारे में जो कहा गया वो क्या, गीता गाना गाती है, गाना गाना क्या है, यही तो मतलब यही तो उसमें समझ में आ रहा है। गीता गाना गाती है, गीता तो उद्देश्य हो गया। इसके अंदर जो कहा गया क्या काम कर रही, मतलब क्या कर रही है, किस वजह से कहा गया, तो वही विधेय हो गया। तो गीता के बारे में जो कहा गया है वो क्या है? विधेय है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकती हो, समझ लेना, उद्देश्य कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। उपयुक्त वाक्यों में गाना गाती है व गेंद खेलता है, क्रमशः गीता व हरि के बारे में कहा गया है। किसके बारे में? गीता व हरि के बारे में। तो अतः इन्हें कह सकती हैं कि ये क्या है? विधेय, गाना गाती और गेंद खेलता है, ये क्या है? विधेय है, ठीक है। अगला समझेंगे क्वेश्चन क्या है, वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं, वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हिंदी भाषा में वाक्यों के कई दृष्टियों से कुल चार प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? कुल चार प्रकार होते हैं। सबसे पहले पॉइंट फर्स्ट है व्याकरणिक गठन की दृष्टि से, दूसरा है अर्थ की दृष्टि से, तीसरा है क्रिया की दृष्टि से, एवं चौथा जो है वो है साहित्यिक दृष्टि से। ये चार प्रकार होते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है, वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं, ये तो हमने जान ही लिया। अब उसके बाद समझेंगे अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? आठ प्रकार होते हैं। सबसे पहले समझेंगे विधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात के होने का बोध होता है, किसी बात के बात का होने का बोध होता है, उसे विधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हरि आगरा गया, हरी आगरा गया था, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? हरी आगरा गया था। किसका इसमें बोध ज्ञान कहा गया कि जिस वाक्य में किसी बात का होने का बोध होता है उसे ही विधवाचक वाक्य कहते हैं। अगला है निषेधवाचक वाक्य। क्या है? निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी बात के ना होने का आवाज मिलता हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हरि आगरा नहीं गया, इसमें नहीं मिला ना, तो क्या हो गया? निषेधवाचक वाक्य हो गया। उसके बाद है अगला पॉइंट है आज्ञा। इसी में जो है अगला पॉइंट है, पॉइंट फर्स्ट आज्ञा सूचक वाक्य, इसी के अंतर्गत आएंगे आज्ञा सूचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा देने का आवाज हो, जैसे खाना खाओ, ठीक है। तो ये ऐसे वाक्य जो है आज्ञा सूचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद है प्रश्नवाचक, प्रश्न करना किसी से, वे वाक्य जिनमें कुछ जानने की इच्छा प्रकट की जाती है, जैसे क्या तुम आगरा जाओगे, क्या तुम खाना खाओगे, ऐसे क्वेश्चन किए जाएं, तो वो क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है। उसके बाद है अगला है विस्मयादि बोधक वाक्य। क्या है? विस्मयादि बोधक वाक्य, वे वाक्य जिनमें आश्चर्य प्रकट किया जाए, क्या प्रकट किया जाए? आश्चर्य प्रकट किया जाए, जैसे अरे यह क्या हुआ, अरे राम चला गया, ऐसे अरे हाय ओ, ऐसे वाक्य जो मतलब ऐसे शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक होते हैं, ठीक है। तो ये जो शब्द अरे हाय घृणा ये छी छी ऐसे वर्ड जो प्रयोग होते हैं जिनके साथ, वो विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। अगला है उसके बाद है इच्छा बोधक वाक्य। क्या है?
इच्छाबोधक वाक्य, जिस वाक्य में किसी प्रकार की इच्छा को व्यक्त किया जाए, जैसे ईश्वर तुम्हें शीघ्र ही उन्नत दिला दे या काश इस बार तुम पास हो जाओ। इस प्रकार की अपने मन में कोई इच्छा हो, ठीक है, तो ऐसे वाक्य जो है इच्छा बोधक वाक्य कहलाते हैं। उसके बाद है अगला पॉइंट है, वो है 5 संदेह सूचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी प्रकार की संदेह की भावना छिपी हो, जैसे हो सकता है कि हरी मुझे कानपुर में मिल जाए या शायद मैंने रुपए अलमारी में रखी हो, इनमें क्या संदेह है, कन्फर्म नहीं है कि हाँ ऐसा होगा ही, तो ये क्या है, संदेहवाचक वाक्य हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है वो है संकेतार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी भाव का केवल संकेत होता है और उसके साथ कोई शर्त लगी रहती है, उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी, ठीक है, यदि मोहन वहाँ होगा तो ज़रूर मिलेगा। इसमें क्या है कि जो सबसे पहले एग्जांपल दिया गया कि यह तुम मेहनत करोगी तो अवश्य सफलता मिलेगी, इसमें एक शर्त लगी हुई है, क्या है कि अवश्य सफलता मिलेगी, ठीक है, यदि तुम मेहनत करोगे। तो ऐसे वाक्य जो हैं संकेतार्थक वाक्य होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।